गगहा पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 21 गौवंश को ट्रक सहित बरामद किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गौ तस्करी के लिए ले जाए जा रहे पशुओं को ट्रक सहित गगहा पुलिस ने बड़हलगंज हाईवे पर हाटा बाजार से बरामद किया है। एसपी साउथ ने बताया कि पुलिस ने तस्करों का पीछा किया, लेकिन तस्कर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए ट्रक से 8 बैल तथा 13 गाय को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और पशु तस्करों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बरामद करने वाली टीम में गगहा थाना प्रभारी राज प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक प्रभात सिंह, मायाराम यादव, कांस्टेबल दीपू कुंवर, विनीत यादव, विजय कुमार यादव, नंदलाल गौड़, नंदन कुमार सिंह, राजू पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज तड़के सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में बड़हलगंज को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश ले जाए जा रहे हैं, पशु तस्करी की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने थाना गगहा को सूचना दी थी और दोनों ने संयुक्त टीम से उसकी घेराबंदी की, जिसमें हाटा बाजार के पास एक ट्रक को पकड़ लिया गया, जिसमें करीब 21 गोवंश हैं जिन्हें बिहार की तरफ ले जाया जा रहा था। और इसमें जो अंधेरा था तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, गाड़ी नहीं पकड़ी गई है, गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी का ड्राइवर अभी नहीं पकड़ा गया है और गाड़ी उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गाड़ी मालिक और अभियुक्त की तलाश जो है, जो ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।